प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की आशंका जताई है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। हालांकि ग्वालियर, चंबल, बघेलखंड को अभी बारिश का इंतजार है। अतः प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए, घरों में पानी भर गया। आम रास्तों से लेकर हाईवे तक से बारिश का पानी ओवरफ्लो हो गया। प्रदेश में बारिश के हालात को देखते हुए सभी 52 जिला मुख्यालयों पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। 96 क्विक रिस्पांस टीम कार्य कर रही हैं। सीहोर में सीप नदी की बाढ़ में फंसे सभी 6 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। जिले के नसरुल्लागंज के साला रोड गांव में स्टाफ डैम बनाया जा रहा था। सोमवार रात 15 से 20 मजदूर यहां काम कर रहे थे। भारी बारिश की वजह से नदी में अचानक पानी आ गया। 6 मजदूर नदी के दूसरी तरफ फंस गए। रात भर से फंसे इन मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने मंगलवार दोपहर 2 बजे सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल में मंगलवार को भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। सोमवार को बारिश के बीच भोपाल नर्मदापुरम में 4 और 6 साल के बच्चे बह गए थे। मंगलवार को उनके शव निकाल लिए गए। मध्य प्रदेश में अब तक 10.25 इंच बारिश हो चुकी है। राजधानी में 2 दिन के अंदर ऐसी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। 200 से ज़्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गईं, तो कई निचले इलाकों में 2-3 फीट तक पानी भर गया, जिसे नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने राजवंश कॉलोनी है। इस कॉलोनी के लोग 20 बरस से निवास कर रहे हैं। प्रत्येक ईमानदार वोटर है, सब वोट डालने जाते हैं, पर कोई भी राजनेता पार्षद से लेकर विधायक तक, सांसद तक कोई झांकता नहीं है। जहाँ पर सिर्फ वोट लेने के समय पूरे गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घर घर जाते हैं, पैर भी पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ कोई झांकता नहीं, ना नाली है ना सड़क है। रोडों पर कुछ लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है, अपनी दुकान को आगे बढ़ा रखा है, ना नीचे से नाली है। जो नाले थे वो पूर दिए, आप देख सकते हैं, नाली नाले पूरे पूर दिए, कोपरा पटक दिए, पानी कहाँ से निकलेगा। तो मैंने 4 दिन पहले भी शिकायत करी जोनल अधिकारी, जोन नंबर 17, मैं खरे साहब को बोला, फिर खरे साहब ने नंबर दिया आसिफ भाई को। आसिफ भाई जो यहाँ के एचओ हैं, उनको 3 दिन हो गए बताए हुए, पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, ना पानी का कोई निकास किया गया। पब्लिक परेशान है, लोग घर के अंदर बंद हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे बीमार हैं। कारण ये साहब, नाले व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, नाले की सही से।